चैप्टर नंबर 5 था हमारा मनी फॉर ग्रेप्स। सबसे पहले हमने इसकी स्टोरी टेलिंग की, बाद में इसकी रीडिंग की, उसके बाद हमने राइट द आंसर टू द गिवन क्वेश्चंस हमने ये किए थे। आज हम करेंगे मेन क्वेश्चंस फॉर दिस आंसर। स्टार्ट विद द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? एसएससी चैप्टर नंबर 5 मनी फॉर ग्रेप्स। मनी फॉर ग्रेप्स में क्वेश्चंस फॉर दिस आंसर्स। हमने ये आंसर्स के क्या करने हैं? क्वेश्चंस में करने हैं। स्टार्ट विद द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट। स्टार्ट विद द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट। शुरू हमने किससे करना है? जो हमें ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है हमने उसको स्टार्ट पे लिख करके क्या करने हैं? मेकिंग क्वेश्चंस। हमने इनके क्वेश्चंस बनाने हैं। कैसे बनेंगे क्वेश्चंस आज हम देखते हैं। सबसे पहला आंसर है यस यस यस, आ आ आ, मैं मैन मैन, वाज वाज वाज, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ग्रेप्स ग्रेप्स ग्रेप्स। यस आ मैं वाज सेलिंग ग्रेप। हाँ, एक आदमी जो है वो क्या कर रहा था? ग्रेप सेल कर रहा था, यानी ग्रेप बेच रहा था। ब्रैकेट में क्या वर्ड है? वाज। क्या है? वाज 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 वाज। सबसे पहले हमने क्या राइट करना है? जैसे कि हमें बताया है स्टार्ट विद द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट। हमने शुरू किससे करना है? जो हमें ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे वाज। उसके बाद उन्होंने हमसे क्या पूछा था? Yes, a man was selling grapes. हाँ, उन्होंने हमें बताया कि हाँ, एक आदमी जो है वो grapes sell कर रहा है। उसका question क्या होगा? Was a man selling grapes? अगर मैं क्या बात किया? क्वेश्चन मार्क। वाज अ मैन सेलिंग ग्रेप्स। वाज अ मैन सेलिंग ग्रेप्स। जो आदमी है वो ग्रेप्स है वो सेल कर रहा था। यस हाँ, अ मैन वाज सेलिंग ग्रेप्स। हमने वाज को क्या किया? स्टार्ट में लिख दिया अ मैन। ये देखिए आंसर में भी है ना, अ मैन सेलिंग ग्रेप्स। हमने क्वेश्चन में लिख दिया अ मैन सेलिंग ग्रेप्स। वाज अ मैन सेलिंग ग्रेप्स। एक आदमी ग्रेप्स बेच रहा था। यस हाँ, अ मैन वाज सेलिंग ग्रेप्स। हाँ, एक आदमी ग्रेप अंगूर जो है वो बेच रहा था। आगे सेकंड वाला आंसर क्या है? किटन किटन किटन, ग्रैप ग्रैप ग्रैप, आ आ आ, बंच बंच बंच, ऑफ ऑफ ऑफ, ग्रेप्स ग्रेप्स ग्रेप्स, किटन ग्रेप अ बंच ऑफ ग्रेप्स। किटन ने क्या किया है? जो बंच ग्रेप्स अंगूरों का बंच उसने पकड़ लिया था। किटन ग्रेप अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ब्रैकेट में क्या वर्ड है? व्हाट। क्या है? व्हाट 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 वर्ड। जब हम इसका क्वेश्चन मेक करेंगे तो सबसे पहले हमें कौन सा वर्ड राइट करना है? जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में? वर्ड। क्या है ब्रैकेट में? वर्ड। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्ड। अब हमने इसका क्वेश्चन बना रहा आंसर तो हमारे पास किटन ग्रैब द बंच ऑफ ग्रेप्स। किटन ने जो है अंगूरों का गुच्छा जो है वो पकड़ लिया था। बंच के अंगूरों का जो बंच है वो पकड़ लिया था। अब इसको हम क्वेश्चन में ही करेंगे। क्या क्वेश्चन होगा? व्हाट डिड किटन ग्रैब। व्हाट डिड किटन ग्रैब? क्या है इसका क्वेश्चन? व्हाट डिड किटन ग्रैब?
किटन ने क्या पकड़ लिया था? किटन ग्रैब अ बंच ऑफ ग्रेप्स। किटन ने अंगूरों का बंच पकड़ा था। व्हाट डिड किटन ग्रैब? किटन ग्रैब अ बंच ऑफ ग्रेप्स। थर्ड वाला आंसर क्या है? अहमद 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 गेव 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 मनी 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 टू 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 दा 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 सेलर 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 अहमद गेव मनी टू दा सेलर। उसके बाद बैग में कौन सा वर्ड है? व्हाट। क्या है? व्हाट 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 व्हाट। सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है? बैग वाला वर्ड ऐड कर देना। व्हाट क्या ऐड करेंगे? सेलर को क्या दी थी? रकम दी थी, यानी सेलर को पैसे दिए थे अहमद ने। अब हम इसका क्या क्वेश्चन बनाएंगे? व्हाट डिड गिव व्हाट डिड अहमद did
grab, grab, grab. What did kitten grab? Question number 3 का आंसर क्या है? Ahmed, Ahmed, Ahmed gave, gave, gave money, money, money to, to, to the sailor, sailor, sailor. Ahmed gave money to the sailor. Bracket में कौन सा word है? What? 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 सबसे पहले हमने क्या write किया? What? 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 Did Ahmed, Ahmed, Ahmed give to the sailor. What did Ahmed give to the sailor? अब question number 4 का क्या answer है? Yes. The grapes. Were delicious. Yes, the grapes were delicious. Bracket में कौन सा word है? Word. The grapes. Delicious. Were the grapes delicious? आगे आप सब बच्चों ने बुक के पेज नंबर 33 पे देखिए आप सबको नजर आ रहा है. Make question for this answer. Start with the given word in the bracket. जो आप मैंने ये आप सब आपको राइट करवाया है ना आप सब बच्चों ने अपने बुक के पेज नंबर 33 पे ये राइट करने हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स.